लास्ट 6-7 साल से मेरे हेयर में थिनिंग आ रही थी, हेयर लाइन डिसीव हो रही थी, और इसका मैंने बहुत कुछ किया, इसका कुछ नहीं हुआ. मैंने यू नो ट्राई टू PRP, नथिंग हैपन. सो इन्वायरमेंट का भी इशू हो सकता है, पानी का भी इशू हो सकता है. सो सर्जरी से पहले आई मेट द टीम, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे पहले आपको एनेस्थीसिया देंगे. कोई भी प्रॉब्लम है, हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, हेयर लूज कर रहे हैं, डाउट है किसी के बारे में, प्लीज़ कम विजिट. हेलो गाइस, मेरा नाम गौरव मल्होत्रा है और मैं पंजाब से हूँ, और मैं यहाँ पे QHT में आया हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए. मैं US में रह रहा हूँ लास्ट 22 ईयर्स. सो लास्ट 6-7 साल से मेरे हेयर में थिनिंग आ रही थी, हेयर लाइन डिसीव हो रही थी, और इसका मैंने बहुत कुछ किया, इसका कुछ नहीं हुआ. मैंने यू नो ट्राई टू PRP, नथिंग हैपन. सो अभी मैंने फाइनली QHT में गूगल किया, YouTube में देखा, ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़े, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ब्रांड. सो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए. मैंने ये रियलाइज़ किया, बिलीव कि मैं 35 और 36 में कि मेरे बाल हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो आई बिलीव कि ये जेनेटिक है. शायद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे माम के डैड, उनके बाल नहीं थे, तो आई बिलीव कि इसलिए मेरे बाल जा रहे हैं, और जेनेटिक है, और स्ट्रेसफुल भी है US में. और इन्वायरमेंट का भी इशू हो सकता है, पानी का भी इशू हो सकता है, डाइट में भी इशू हो सकता है. सो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए. मैंने लास्ट 6-7 साल में PRP किए, यू नो जैसे हर होम रेमेडीज, आप तेल लगाओ, आप ये करो, वो करो, नथिंग हैपन. आई मीन माय हेयर लाइन की प्रोसीडिंग. बाद में मैं इंडिया में आया, तो मैंने गूगल किया, यूट्यूब में देखा कि QHT ही मुझे बेस्ट इसलिए लगा कि उनके रिव्यू अच्छे हैं, दे अपफ्रंट हैं कि कितना होगा, क्या होगा, कॉस्टली कॉस्ट का है, और कितने हेयर होगा, हेयर ट्रांसप्लांट कितने पैसे लगेंगे, कितने बाल लगेंगे. इसलिए मैंने इसको QHT को चूज़ किया इन इंडिया, इन हरिद्वार. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन फॉर मी, आई बिलीव. मैं USA से इंडिया में आया January 5th को. आई स्टार्ट गूगलिंग, यू नो कहाँ पे जाऊँ, क्या करूँ, किसको बुक करूँ. ट्रस्ट नहीं था किसी पे कि कौन सा हेयर ट्रांसफर बेस्ट है मेरे लिए. लोगों ने सजेस्ट किया डिफरेंट. मैंने खुद ही QHT को चुना. यहाँ में मैंने उनको January 15th को फ़ोन किया, तो उन्होंने January 21st को आज मुझे उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट दे दी कि आप आ जाओ. और वेरी इजी प्रोसेस, यू नो वहाँ यहाँ पे आया, वेरी हाइजीनिक, क्लीन क्लिनिक, पीपल आर नाइस एंड एवरीथिंग इज ग्रेट. आई मीन आई थिंक आई मेड इट राइट डिसीजन. सर्जरी को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ. जस्ट लुक फॉरवर्ड कि क्या होगा, हेयर ग्रोथ एंड ऑल दैट. बट आई एम बिट ऑफ नर्वस, बट आई वॉच सो मेनी यूट्यूब, ऑब्वियसली QHT यूट्यूब. मोस्टली पीपल आर रेकमेंड, आई एम सेइंग दैट इट्स वेरी इजी, इज पेनलेस, आई बिलीव सो. लेट्स सी व्हाट हैपन. अब मैं मिलूंगा आपको सर्जरी के बाद. लेट्स सी व्हाट हैपन. आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा, कितना दर्द हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. मिलते हैं सर्जरी के बाद. थैंक्स.
जैसा आप देख रहे हैं मेरी सर्जरी अभी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप में देख सकते हैं किस तरह से ग्राफ लगे हैं मेरे टेम्पल पे और लेफ्ट और राइट पे। इससे पहले जब मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने ये मेरी हेयर लाइन बनाई और पहली बार ही मुझे जैसा उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने हेयर लाइन ड्रॉ की, आई लव्ड इट। सो इसलिए मैं उससे सेटिस्फाइड था क्योंकि जो वो उनका एक्सपीरियंस है लास्ट 22 इयर्स दे बी डूइंग, सो आई मीन सो उस हिसाब से मैंने ये ग्राफ की ड्रॉ की और लगाए और जितने उन्होंने ग्राफ बोले थे उतने ही ग्राफ लगे, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। सो सर्जरी से पहले आई मेट द टीम, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे पहले आपको एनेस्थीसिया देंगे और आपको तकलीफ नहीं होगी। तो फिर भी मेरे मन में था कि शायद दर्द हो क्या ना हो। सो व्हेन दे टुक मी टू द ओटी, आई ले डाउन और उसके बाद उन्होंने इंजेक्ट किया और उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि मेरी सर्जरी कब कंप्लीट हो गई। उसमें बीच बीच में वो पूछते रहे कि आपको दर्द हो रही है, नहीं हो रही है, कुछ खाना है, नहीं खाना है, हाउ यू फील एंड एवरीथिंग। सो इट वाज ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, दे वर वेरी नाइस, ऑल द स्टाफ वर वेरी नाइस, देयर इज नो डाउट इन द माइंड आई मेड अ गुड एंड ग्रेट चॉइस। जैसा आप देख सकते हो अभी, सो आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम अवेयर व्हाट आई एम डूइंग व्हाट आई एम सेइंग। और अगर आपको आपके रिश्तेदारों को कोई भी प्रॉब्लम है, हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, हेयर लूज कर रहे हैं, डाउट है किसी के बारे में, प्लीज़ कम विजिट QHT इन हरिद्वार एंड आई लव्ड इट एंड आई विल सजेस्ट जस्ट कम बाय एंड जस्ट लिसन टू देम व्हाट दे सेइंग एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट है, ओवरऑल एवरीथिंग्स लुकिंग गुड सो फार। सो उसके बाद उन्होंने मेरे को स्टेप बाय स्टेप समझाया कि कैसे आपको प्रिकॉशन लेनी है फॉर नेक्स्ट 10-15 डेज, कैसे करना है। उन्होंने लिख के दिया, एक एक बात समझाई कैसे टेक करना है। एवरी आवर यू हैव टू स्प्रे, आपके ग्राफ पे स्प्रे करना पड़ेगा एवरी आवर्स, इतनी मेडिसिन लेनी है, वेरी थॉरली यू नो। उन्होंने अपना एमरजेंसी नंबर भी दिया जिस पर आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, कोई भी आप मुश्किल में हो और कोई पता नहीं चल रहा तो आप प्लीज़ वहाँ पे फ़ोन कर सकते हो बिना हेजिटेट। सो मेरे ग्राफ लगे हैं, डॉक्टर ने बताया था 3500, मेरा खुद का था कि शायद 2000 लगें, 25 लगें, बट एग्जैक्टली ही टोल्ड मी इट्स गोइंग बी 3500 ग्राफ थ्रू QHT टेक्नोलॉजी और उतने ही ग्राफ लगे हैं। वेरी पेनलेस प्रोसीजर, take a little time but it's very painless, you don't feel any pain at all while doing surgery, so don't be scared, don't be hesitant, just come and try it, just consult with them and you will amazed. Once you take the step you will amazed and you will definitely gonna go for the hair transplant. Overall mera yahan ka experience great tha. Or I just want to say thank you QHT and their team, they all great, everybody has very patience, you know, they listen to you and they will take care of you and I love QHT and I would recommend you guys to come here and get your treatment. Good luck guys. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।